स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। सो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे आपका इंग्लिश का अगला अल्फ़ाबेट जो कि है H फॉर हैन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कैपिटल H कैसे लिखा जाता है। सो स्टूडेंट्स, कैपिटल H लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल खींचनी होती है और फिर उन दोनों को बीच में से एक और लाइन से मिला देना होता है। सो ये हमने ड्रॉ किया कैपिटल H। चलिए देखते हैं कि स्मॉल H कैसे ड्रॉ करेंगे। स्मॉल H को ड्रॉ करना बिल्कुल आसान है, कुछ इस तरीके से है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद कुछ इस तरीके से एक और शेप इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये बन गया स्मॉल H। ओके स्टूडेंट्स, सो आपने देख लिया कैपिटल H हम कैसे ड्रॉ करते हैं, दो बिल्कुल लाइन एक दूसरे के पैरेलल और फिर इन दोनों को मिला दिया, तो ये बन गया कैपिटल H। दो लाइनें और फिर इनको बीच में से मिला दिया, कैपिटल H। और स्मॉल H कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से पहले सीधी लाइन और फिर कुछ इस तरीके से H। H फॉर क्या होता है, H फॉर हैन होता है, हैन मीन्स मुर्गी। तो चलिए मेरे साथ हैन की स्पेलिंग लर्न कीजिए, H E N, हैन। हैन मीन्स मुर्गी, H E N, हैन। हैन मीन्स मुर्गी। चलिए H फॉर कुछ और भी वर्ड्स देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल H फॉर हॉर्स, H फॉर हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा। हाउस, H O U S E, हाउस, हाउस मीन्स घर। हैट, H A T, हैट, हैट मीन्स टोपी। तो अब देखिए H O R S E, हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, तो आप H फॉर हॉर्स भी बोल सकते हो। H फॉर हाउस, H O U S E, हाउस। H फॉर हैट, H A T, हैट। तो यहाँ पर आपने देखा आज हमने कौन सा अल्फ़ाबेट सीखा, H, H फॉर हैन, हॉर्स, हाउस, हैट। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए अब हम इस अल्फ़ाबेट को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे ब्लैंक स्पेस दिया है, यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट ड्रॉ करना है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये हमने ड्रॉ किया कैपिटल H, ये हमने क्या ड्रॉ किया कैपिटल H, और यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे स्मॉल H। ओके स्टूडेंट, स्मॉल H। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, आज हमने H अल्फ़ाबेट सीखा है, होपफुली आप इसको लिखना सीख गए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।